और चलिए डोरीबाला की बात करेंगे, जहां पर एरो और टाउन बनाए जाने की खबरों को लेकर पिछले 2 माह से विरोध प्रदर्शन जारी था। विशाल जनसभाओं के बाद किसान पिछले 26 दिनों से ट्रैक्टर रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत कर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। हालांकि मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री के डोईवाला में एरोसिटी ना बनाए जाने के बयान पर भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग थी कि लिखित में आदेश आने के बाद ही वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन कल मुख्य सचिव से हुई बात और लिखित आदेश के बाद किसानों ने देर रात अपना धरना पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि यह किसानों की एक बड़ी जीत है। डोईवाला में अब एरो या टाउन सिटी नहीं बनेगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। डोईवाला के एक किसानों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। मुख्य सचिव साहब ने ये जितना भी टाउनशिप एरो सिटी के नाम से डोईवाला में प्रोजेक्ट था उसको बताया कि किसानों के निरंतर विरोध के बाद यहाँ से कैंसिल करके दूसरी जगह जगह चिन्हित कर ली है। और शुगर फैक्ट्री के बाद पीढ़ियाँ जिन किसानों की गल गई, जिनके बुजुर्गों ने खेत बनाए थे, उनके अंदर जो दर्द था उसे हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि आज ये जगह रहने लायक हुई है। तो आज हमें उजाड़ने का जो काम सरकार कर रही थी एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, उसमें पूरा इलाका इकट्ठा रहा। मैं पहले तो इलाके को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सब इकट्ठे रहे और आपने इकट्ठे होकर पिछले काफ़ी समय से जो इंटीग्रेटेड सिटी की बात चल रही थी उसके करके किसान धरने पे बैठे हुए थे और बहुत चिंतित थे कि उनकी जो कुछ रहनी जमीन है उसका क्या होगा। सरकार से वार्तालाप इनकी निरंतर चल रही थी। आज माननीय मुख्य सचिव ने सभी किसानों को अपने पास बुलाया, उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता का निष्कर्ष यह है कि उन्होंने कहा है कि जिस इंटीग्रेटेड सिटी को हम बनाना चाहते हैं, जब इस इंटीग्रेटेड सिटी का प्रोग्राम अब हमारा नहीं है।